हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेकिया और ग्रीस के बीच में खेले जाने वाले आज के एशियाई टी10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों एशियाई टी10 मैच का मैच सेकंड खेला जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। बात करेंगे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में लेना है, और बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में करके चलना है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और टेलीग्राम को अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का, जहाँ दोस्तों आपको मिल जाती है टॉस एंड लाइनअप के अपडेट, और मेरी एक फाइनल टीम रहती है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत कॉन्टेस्ट विन कर सकते हो दोस्तों। अभी फर्स्ट वाला मैच देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया गया था हमारा, काफ़ी अच्छा हमारे यूज़र्स ने विन किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन उन सभी को, और आप सभी लोग भी आ जाओ फटाफट से, टेलीग्राम में आओगे तो मेरी फाइनल टीम मिलेगी आपको। तो दोस्तों इस चेकिया टी10 का मैच नंबर सेकंड CZD और GRE के बीच खेला जाएगा। 2:30 बजे मैच स्टार्ट होगा दोस्तों, और वेन्यू रहेगा चेक रिपब्लिक का। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस देखने को मिलेगा आपको, और इस वेन्यू पे दोस्तों टोटल 60 मैच खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 26 मैच, बैटिंग सेकंड ने 33 मैच विन किया है, और एक मैच यहाँ पे अबंडन रहा है दोस्तों, ठीक है। एवरेज स्कोर आपको 70 से 110 के बीच में देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों टीम CZD के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों इनकी टीम से देवेंद्र सिंह और ऋतुराज मगरे, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली ओपन करने चाहिए। देवेंद्र सिंह का दोस्तों टी10 के 45 मैच में 715 रन है, 22 का एवरेज है इसका, और 5 विकेट हैं 8 ओवर डाल के। मतलब एक अच्छा प्लेयर है जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेगा और विकेट कीपिंग करता हुआ आपको दिखेगा दोस्तों। ऋतुराज मगरे टी10 के 25 मैच में दोस्तों 537 रन, 33 का एवरेज है, 5 विकेट इसके नाम है। प्लेयर शानदार है दोस्तों, लास्ट के कुछ मैचेस में ECS वाले मैचेस की बात बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इसीलिए दोस्तों बिल्कुल टीम में लेकर के चलना है, ठीक है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और बॉलिंग कर दिया तो दोस्तों प्लस पॉइंट इसका रहेगा, ठीक है। सवाबुन डावजी हैं टी10 के 83 मैच में इसके नाम, 1825 रन, 29 का एवरेज है, 43 विकटें इसके नाम है, ठीक है, 93 ओवर डाल के। प्लेयर बढ़िया है दोस्तों, ऑलराउंडर प्लेयर है जो कि 2 ओवर की बॉलिंग करता हुआ भी दिख सकता है आपको, और बिल्कुल टीम में लेकर के चलना। कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चलना इसको। ऋतिक तोमर टी10 के 56 मैच में 970 रन है, 29 का एवरेज है, 36 विकेट, 86 ओवर डाल के। ओवरऑल एक अच्छा प्लेयर है, बिल्कुल टीम में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। और सुदेश विक्रमासेकरा है दोस्तों टी10 के 65 मैच में 1573 रन, 34 का एवरेज है, 38 विकेट है, 96 ओवर डाल के। प्लेयर बहुत बेहतरीन शानदार है, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये ना ऐसे मैचेस में बॉलिंग कर लेता है जहां पे आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं किए रहोगे, ठीक है। प्लेयर बढ़िया है, बिल्कुल टीम में रखने लायक है, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आपको। सिद्धार्थ गौड़ हैं टी10 के 37 मैच में 646 रन, 21 का एवरेज है, 26 विकेट इसके नाम है, 47 ओवर डाल के। थोड़ा कुछ मैचेस में अभी ECS के अंदर जो मैच खेला था उसमें बॉलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया प्लेयर है ये भी। साजिब भुवन टी10 के 54 मैच में 801 रन है, 22 का एवरेज, 42 विकेट इसके नाम है, और 92 ओवर अभी तक डाला है। मतलब हर मैच में जब जब खेला है दोस्तों बॉलिंग इसने किया है, एक ओवर कराया चाहे 2 ओवर कराया, लेकिन बॉलिंग इसने किया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और साजिब भुवन को ट्राई करना चाहो तो करके चल सकते हो। अरुण अशोकन है 57 मैच में दोस्तों 1022 रन है, 28 का एवरेज, 16 विकेट है। बैटिंग थोड़ा डाउन रहेगा, बॉलिंग के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। रियाज आफरीदी टी10 के 31 मैच में 315 रन है, 16 का एवरेज है, 16 विकेट इसके नाम है, बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों, और 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता हुआ दिखेगा, इंपॉर्टेंट है। समीरा मधुरंगा है दोस्तों टी10 के 47 मैच में 41 रन है, 36 विकेट इसके नाम है, 82 ओवर डाल के 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करेगा, इंपॉर्टेंट रहना चाहिए दोस्तों। अभी के लिए आप इनकी टीम से पिक करके चलो, देवेंद्र सिंह को, ऋतुराज मगरे, सवाबुन डावजी, ऋतिक तोमर को, सुदेश विक्रम शेकरे को लेकर के चल सकते हो, और नीचे से दोस्तों रियाज आफरीदी और समीरा मधुरंगा को ट्राई करके चलना। बाकी दोस्तों इनके बेंच के प्लेयर में से देख लो, इनमें से कोई भी खेलेगा तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। आप सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड देख लो, मतलब पूरे अच्छे अच्छे प्लेयर इन्हीं की टीम में भरे पड़े हैं दोस्तों, ठीक है। स्टार्टिंग के ओवर की बात करें तो समीरा मधुरंगा है, ऋतिक तोमर है, डेथ ओवर्स में सिद्धार्थ गौड़ हैं, रियाज आफरीदी बॉलिंग करते दिखेंगे। आगे बात करें टीम ग्रेसिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों GRE की टीम से असलम मोहम्मद हैं और एंड्रिस गेस्टर्स हैं दोस्तों, ठीक है, ये ओपन करते हुए दिखेंगे आपको। असलम मोहम्मद टी10 के 26 मैच में 354 रन है, 18 का एवरेज है, 21 विकेट इसके नाम, 39 ओवर डाल के। ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस दे करके जाता है, अच्छा प्लेयर दोस्तों, टीम में रख के चलेंगे। उसके बाद दोस्तों एंड्रिस
गेस्टेटस हैं जिनका T10 के 5 मैच में 55 रन है, 55 का एवरेज है, और बैटिंग अगर टॉप ऑर्डर में करेगा तो एक अच्छा प्लेयर है दोस्तों, ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है ये। साबिर असलन है जिनका T10 के 14 मैच में 144 रन है, 2 विकेट इसके नाम है, उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, बाकी आप लोग ले सकते हो अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करें तो। उसके बाद आएंगे दोस्तों सिनैन खान, प्लेयर बढ़िया है, T10 के 14 मैच में 288 रन है, 32 का एवरेज है, 7 विकेट है, 18 ओवर डाल के ओवरऑल एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे करके जाएगा, बिल्कुल टीम में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आएंगे असरार अहमद जिनका T10 के 20 मैच में दोस्तों 21 विकेट इसके नाम है, 31 ओवर डाल के, मुझे तो प्लेयर काफ़ी शानदार लगता है। और एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये आपको 2 ओवर की बॉलिंग करता हुआ भी दिखेगा और एकदम विकेट टेकर प्रोबेबिलिटी का बॉलर है, काफ़ी अच्छा करेगा। तो सिनैन खान और असरार अहमद ये दोनों 2 ओवर की बॉलिंग कराएंगे और दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद दोस्तों जियोर्गस ग्लैनिस हैं जिनका T10 के 20 मैच में दोस्तों 18 विकेट 36 ओवर डाल के 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, एक बेहतरीन बॉलर है दोस्तों, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेगा, ठीक है, तो बिल्कुल लेकर के चलना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद आएंगे अमरप्रीत सिंह जिनका T10 के 14 मैच में 113 रन है, 4 विकेट इसके नाम है, और इनको मैं ड्रॉप करके चल सकता हूँ क्योंकि इनका बैटिंग थोड़ा डाउन रहेगा और उतना अच्छा खासा एवरेज नहीं है इसका। और उसके बाद आएंगे दोस्तों स्पायरिडन वासी लाकिस जिनका 6 मैच में T10 के 7 विकेट है, प्लेयर बढ़िया है दोस्तों, आज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करेगा, 2 ओवर की बॉलिंग करता दिखेगा, टीम में लेकर के चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों बैकडोनर्स हैं जिनका T10 के 4 मैच में 31 रन है, ड्रॉप करके चलना है इनको। थॉमस जोतोस हैं T10 के 8 मैच में 6 विकेट 8 ओवर डाल के, लेकिन मुझे तो उतने पर्सनली अच्छे नहीं लगे अभी के लिए, मैं इनकी टीम से लेकर के चलूँगा असलम मोहम्मद को, एंड्रिस डेस्टर्स को लेकर के चल सकता हूँ, सिनैन खान असरार अहमद को लेकर के चल सकता हूँ, और यहाँ से दोस्तों जियोर्गस ग्लैनिस को अपनी टीम में लेकर के चल सकता हूँ, और नीचे से मन करे तो स्पायरिडन वासी लाकिस को अपनी टीम में लेकर के चलूँगा। बाकी इनके बेंच में 3 प्लेयर और हैं जिनके रिकॉर्ड उतने खास नहीं है, स्टार्टिंग के ओवर की बात करूँ तो असरार अहमद हैं, सिनैन खान है, डेथ ओवर्स में दोस्तों सिनैन खान है और जियोर्गस ग्लैनिस आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। तो ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करें एक डेमो टीम की तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से बात करें तो साहिल ग्रोव अगर खेलें, मुझे तो नहीं लगता कि ये मैच खेलेंगे क्योंकि इनको थोड़ी नेक में इंजरी थी लास्ट के सीएस मैचेस में, आप लोगों ने देखा होगा, तो शायद रेस्ट में होंगे। तो दोस्तों यहाँ से डी सिंह को अपनी टीम में लेकर के चलेंगे। बाकी दोस्तों बैटिंग सेक्शन से बात करें तो बैटिंग सेक्शन से ए सिंह इंपॉर्टेंट हैं, इनको लेकर के चलेंगे दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। ऋतुराज मगरे एक अच्छा प्लेयर रहेगा, इसको भी अपन टीम में लेकर के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी अभी वेट करते हैं क्योंकि पी वघेल के खेलने के बहुत कम चांसेस हैं, और जगनी वसन अगर खेलेगा दोस्तों, और तो दोस्तों आगे बात करें अपन ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहाँ से साजिब हुयन है, ए मोहम्मद है दोस्तों, और तोमर इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। और अगर यहाँ से लेना चाहो तो देखो आप डाविजी को भी अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो, विक्रम सिंह इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से गेस्टर्स जो प्लेयर है इनको लेकर के चलना है, ये बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, ठीक है। डाविजी भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, 13% सिलेक्शन हो गया है, लेकिन प्लेयर बढ़िया है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में तो सिनैन खान और असरार अहमद ये 2 प्लेयर को बिल्कुल मैं लूँगा, और ग्लैनिस को बिल्कुल लेने का मन है मेरे दोस्तों, ठीक है। लेकिन ग्लैनिस को अगर आप नहीं लोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर रियाज आफरीदी को लेने का, तो रियाज आफरीदी को भी लेकर के चल सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ से किसी को आप ड्रॉप करके आप इधर से प्लेयर ले सकते हो। लेकिन देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि ग्लैनिस जो प्लेयर है ना बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों, A1 है, काफ़ी अच्छा बॉलिंग करता है, बिल्कुल लेकर के चलना। बाकी मैं अभी के लिए रियाज आफरीदी को लिया हूँ, ये मेरी डेमो टीम है अभी के लिए, फाइनल टीम नहीं है ये, फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा मैं। बात करूँ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की यहाँ पे तो देखो आपके पास कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए तोमर हैं एक अच्छा ऑप्शन, मगरे हैं एक अच्छा ऑप्शन, और विक्रम सिंघे भी ऑप्शन रहेंगे, ए मोहम्मद भी अच्छे ऑप्शन रहेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। तो दोस्तों इन्हीं में से मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करूंगा, बाकी मेरी फाइनल जो टीम रहेगी वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।